गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं अभिषेक गौरा और हम डील कर रहे हैं करंट अफेयर्स। कल हमने डील किया था जुलाई के तीसरे हफ्ते में होने वाली वे सभी समसामयिक की घटनाएं जो हमारे राजकीय स्तर पर हमारे लिए महत्वपूर्ण रही हैं। आज हम उनके ऊपर बेस करके क्या करने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ऑल इंडिया इंटर इंस्टीट्यूशन बैडमिंटन चैंपियनशिप रिसेंटली ऑर्गेनाइज। हाल ही में अखिल भारतीय अंतर संस्थागत बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित कराई गई थी, भुवनेश्वर, कटक, रायपुर या फिर बिलासपुर। आप सभी अपने आंसर्स को अपने कॉपीज में या फिर हमारे कमेंट सेक्शन का यूज करते हुए साथ साथ में आंसर्स देते चलेंगे ताकि अंतिम में हम अपना स्व मूल्यांकन कर सकें, सेल्फ इवोल्यूशन इवेल्युएशन माफ कीजिएगा सेल्फ इवेल्युएशन कर सकें। तो वेयर वॉज द ऑल इंडिया इंटरनेशनल इंटर इंस्टीट्यूशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड, भुवनेश्वर, कटक, रायपुर या फिर बिलासपुर। क्वेश्चंस के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेंगे आपको, आप कोशिश कीजिएगा पॉज करके अपना जवाब दे दीजिएगा। तो ये जो ऑल इंडिया इंटर इंस्टीट्यूशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये आपके रायपुर के मोवा स्थित स्टेडियम में कराए गए थे। कहां पर? मोवा। आई स्क्वायर अरीना में इसका क्या कराया गया था, आयोजन कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए जवाब हो जाएगा, मोवा रायपुर। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का नया पुलिस महानिदेशक बनने वाला है। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज सेट टू बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए मयंक अग्रवाल, ऑप्शन बी सुशांत तिवारी, ऑप्शन सी अशोक जिंदल या फिर ऑप्शन नंबर डी अरुण देव गौतम। मयंक अग्रवाल, सुशांत तिवारी, अशोक जिंदल, अरुण देव गौतम। नए पुलिस महानिदेशक, द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ छत्तीसगढ़। तो आंसर जो है ये आप लोगों के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुण देव गौतम, जो आपके वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा जी का स्थान लेकर के छत्तीसगढ़ के नए क्या बनने वाले हैं, डीजीपी ऑफ पुलिस, जो एक राज्य में पुलिस के सर्वोच्च क्या होता है, अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, अशोक जुनेजा छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं, वह छत्तीसगढ़ के डैश नंबर के डीजीपी हैं। अशोक जुनेजा इज करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ छत्तीसगढ़, ही इज डैश नंबर्ड डीजीपी ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब कौन से क्रम के डीजीपी हैं ये आपको बताना है, कौन? अशोक जुनेजा 10वें क्रमांक के हैं, 11वें, 12वें, 10वें, 11वें, 13वें या फिर 14वें, 10, 11, 13, 14। टेंथ, 11th, 13th, 14th, कौन से नंबर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ छत्तीसगढ़ हैं अशोक जुनेजा जी। यहां पर आप लोगों के लिए जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। 11वें क्रम के डीजीपी हैं और जो आपके अरुण देव गौतम हैं ये 12वें नंबर के बनने वाले हैं। Who amongst the following has recently been awarded with परम विशिष्ट सेवा मेडल by President of India? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मोहित राठौर या फिर लेफ्टिनेंट जनरल अनंत बख्शी। परम विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति द्वारा अशोक जिंदल, मनोज पांडे, मोहित राठौर या फिर अनंत बख्शी।
जो आंसर है ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल, जो वर्तमान में एम्स रायपुर के क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। या फिर कार्यपालक निदेशक। ठीक है, कहां के? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस थिएटर कलाकार ने 1988 के सियोल ओलंपिक्स की कमेंट्री की थी? Which amongst the following theater artist of Chhattisgarh did commentary of Seoul Olympics of 1988? Option A है आपके मिर्जा मसूद, option B है हबीब तनवीर, option C है जलील रिजवी, या फिर option D है अनुज शर्मा। 1988 के सियोल समर ओलंपिक्स की कमेंट्री करने वाले छत्तीसगढ़ के व्यक्ति कौन है, जो क्या है, छत्तीसगढ़ के रंग कर्मी, थिएटर आर्टिस्ट? मिर्जा मसूद, हबीब तनवीर, जलील रिजवी, अनुज शर्मा। यहां पर आप लोगों के लिए जो जवाब है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा मसूद, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला है, गौरैया धाम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के किस जिले में गौरैया धाम स्थित है? कबीर धाम, बालोद, बिलासपुर, मुंगेली। चौरैया धाम, माफ कीजिएगा, गौरैया धाम। छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कबीरधाम, बालोद, बिलासपुर, मुंगेली। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी, बालोद हो जाएगा क्या आंसर। हाल ही में यहां पर उत्खनन के बाद 132 पत्थर की मूर्तियां क्या की गई हैं, बाहर निकाली गई हैं, जो भोरम देव में पाई गई मूर्तियों के लगभग सिमिलर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बिलासपुर नगर निगम को किस श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? इन विच कैटेगरी बिलासपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड इन दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन? अप टू 50,000 पॉपुलेशन कैटेगरी, अप टू 1,00,000 पॉपुलेशन कैटेगरी, अप टू 3,00,000 पॉपुलेशन कैटेगरी, अप टू 10,00,000 पॉपुलेशन कैटेगरी। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इन चारों को आप लोग एक साथ डील करेंगे और इनका जवाब सारे क्वेश्चन को डील करने के बाद में हम देंगे, यानी कि चारों क्वेश्चन को डील करने के बाद में देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिलासपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? ये जो आपका दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, इसमें। दूसरा है, रायगढ़ नगर निगम को कौन से कैटेगरी में दिया गया है? सेम ऑप्शन, 50,000 जनसंख्या कैटेगरी, 1,00,000 तक की जनसंख्या श्रेणी, 3,00,000 तक की जनसंख्या श्रेणी, 10,00,000 तक की जनसंख्या श्रेणी। फिर भाटापारा नगर पालिका परिषद के बारे में है सवाल, और ये क्या है, इसने भी राष्ट्रीय पुरस्कार पाया है कौन सी कैटेगरी में, 50,000 तक के, 1,00,000 तक के, 3,00,000 तक के, या 10,00,000 तक के जनसंख्या श्रेणी में? और चौथा क्वेश्चन यानी कि 10वां क्वेश्चन है, यह है आपका चांपा म्युनिसिपल काउंसिल, चांपा का नगर
पालिका परिषद इसको कौन सी कैटेगरी में दिया गया है? तो आप लोग सभी का जवाब देंगे। सबसे पहला है सातवां क्वेश्चन, बिलासपुर नगर निगम को ऑप्शन ए बी सी डी 50,000 तक, 1,00,000 तक, 3,00,000 तक, 10,00,000 तक। क्वेश्चन आठवां है रायगढ़ नगर निगम को 50,000 तक, 1,00,000 तक, 3,00,000 तक, 10,00,000 तक, ए बी सी डी। नौवां है भाटापारा नगर पालिका परिषद को 50,000 तक, 1,00,000 तक, 3,00,000 तक, 10,00,000 तक। फिर चांपा नगर पालिका परिषद को 50,000 तक, 1,00,000 तक, 3,00,000 तक या फिर 10,00,000 तक। तो अब एक एक करके आंसर देखते हैं। ये जो दसवां क्वेश्चन है, चलिए सेवन से देखते हैं। जो बिलासपुर नगर निगम है उसे ऑप्शन नंबर डी 10,00,000 तक के पॉपुलेशन कैटेगरी में क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है। जो रायगढ़ है उसे ऑप्शन नंबर सी 3,00,000 तक की जनसंख्या का के कैटेगरी में क्या दिया गया है? आपका अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय अवार्ड। भाटापारा जो है उसे 1,00,000 तक के ऑप्शन नंबर बी 1,00,000 जनसंख्या तक की श्रेणी में क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है। और वहीं जो चांपा है उसे 50,000 तक की जनसंख्या की श्रेणी में क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब अगला जो सवाल है वो है विच अमंग्स द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड इन इंडिया इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन या फिर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में शहरी स्थानीय निकायों की अपनी अपनी श्रेणियों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला या जिले भारत में शीर्ष पर रहे हैं? बिलासपुर, रायगढ़, भाटापारा, चांपा। ऑप्शन है केवल एक दो तीन या 1, 2, 3 और 4। बिलासपुर, रायगढ़, भाटापारा, चांपा, only 1, 2 and 3 तो हमको यहां से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे लिए क्या आंसर। जो बिलासपुर है इसे फर्स्ट रैंक मिला है अप टू 10,00,000 पॉपुलेशन में। रायगढ़ को भी फर्स्ट मिला है अप टू कितने पॉपुलेशन में, 3,00,000। ये जो भाटा पा रहा है ये भी फर्स्ट है अप टू 1,00,000। लेकिन जो चांपा है इसे कौन सा रैंक मिला है? इसे मिला है सेकंड रैंक। और कब तक में मिला है? अप टू 50,000 पॉपुलेशन, है ना। और इन सभी के साथ में छत्तीसगढ़ को, जो छत्तीसगढ़ है इसे ओवरऑल मिले हैं कितने रैंक? ओवरऑल ये थर्ड रैंक पर रहा है ऑल ओवर इंडिया। और थर्ड रैंक मतलब छत्तीसगढ़ मतलब कौन? स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम सूडा के नाम से भी जानते हैं, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, राज्य शहरी
विकास प्राधिकरण ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओवरऑल रैंक ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इन परफॉर्मेंस इन दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। अभी हमने देखा कौन सा रैंक रहा है, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड रैंक इसे प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ रिसीव्ड द गोल्डन रेनबो अवार्ड। गोल्डन रेनबो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, छत्तीसगढ़ का कौन सा संस्थान है जिसे क्या किया है, सम्मानित किया गया है, पालको, एनटीपीसी, सीएमडीसी या फिर एसईसीएल, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सीएमडीसी या फिर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। गोल्डन रेनबो अवार्ड किसे मिला है, तो यहां पर आप लोगों के लिए जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SECL। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की पदक तालिका क्या थी, व्हाट वाज द मेडल टैली ऑफ छत्तीसगढ़ इन रिसेंटली हेल्ड सब जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड एट बेंगलुरु कर्नाटक। अब आपको जमाना ऐसे है, जो पहला है गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रोंज है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 135, दूसरा ऑप्शन है 216, ऑप्शन नंबर टू हो गया 216, ऑप्शन नंबर सी हो गया 213 और ऑप्शन नंबर डी है 321। कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रोंज मिले हैं हमें, किसमें, सब जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में क्या की गई थी, आयोजित कराई गई थी। इसका आंसर हमारे लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो गोल्ड, एक सिल्वर और तीन क्या, ब्रोंज मेडल्स। हाल ही में खबरों में रहा आकार क्या है, व्हाट इज आकार, रिसेंटली सीन इन न्यूज, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल विकास अभियान स्किल डेवलपमेंट ड्राइव बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी नक्सल विरोधी अभियान एंटी नक्सल ऑपरेशन, ऑप्शन सी नशीली दवाओं और अवैध शराबों शराब विरोधी अधिनियम एंटी ड्रग एंड इलिसिट लिकर कैंपेन या फिर डी कल्चरल ट्रेनिंग कैंप सांस्कृतिक प्रशिक्षण शिविर। क्या है भाई आकार, आकार, तो ये है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कल्चरल ट्रेनिंग कैंप सांस्कृतिक परीक्षण शिविर है ये आपका, जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित कराया जाता है। इस साल पहली बार इसे मॉनसून के सीजन के टाइम में आयोजित कराया जा रहा है। पहली बार इसमें भरतरी के साथ साथ बस्तर के जो लोक नृत्य हैं, काकसार नृत्य, गौर नृत्य, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही अन्य जो आपकी जनजातीय संबंधित नृत्य होते हैं उन सभी को इसमें क्या किया गया है, शामिल कराया गया है। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारे लिए जुलाई के तीसरे हफ्ते में हुए समसामयिक की जो हमारे राजकीय स्तर पर महत्वपूर्ण थी उनसे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। कल हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
समसामयिकी लेकर के उसके बाद हम उसका डील करेंगे क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न। तब तक हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।